जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भाई मित्रों, वीडियो तो बहुत पहले ही आ जाता, देर हो गई थोड़ी सी। वो किसी हमारे मित्र का बाहर से फ़ोन आ गया, पता नहीं कौन था। तो उसकी माता जी बहुत बीमार थी, तो उनके लिए थोड़ा सा करना पड़ा मुझे अर्जेंटली कुछ ना कुछ। तो कभी कभी मुझे अपने काम छोड़ के करना पड़ता है दूसरों का। देखो मित्रों, कोई ने हमसे आस लगा रखी है और कोई हमको मानता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए कभी भी कुछ भी कर सकें। ये तो इंसानियत है। बाकी हम पहले ये सोचे कि वो हमें दक्षिणा दे, फीस दे और पैसे दे, तब हम करेंगे, तो ये तो हम जैसा नीच इंसान ही नहीं पैदा हो सकता दुनिया में। अगर हम ये सोचते हैं तो पैसे से कोई काम नहीं होता इस क्षेत्र में, ये सब बेकार की बातें हैं। पैसे का जो मूल्य मिट्टी के समान होता है इस क्षेत्र में, हमारी विद्या में। क्योंकि जो लोग आते हैं मिलने मुझसे, वो देख सकते हैं कि मैं किस तरह रहता हूँ, बहुत सिंपल सादा। आप मुझे मालूम है, अगर मैं कहूँगा या मांगूंगा तो आप मुझे सोने में लाद दोगे, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं वो सब चीज़ें, वो सब चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं मित्रों। फिर आपसे जुड़े रहने का फिर मज़ा क्या है जब सोने में लतना हो तो। कुछ लोग मुझसे कर्ण प्रशासनी का कह रहे थे, तो जो मेरे एक आध दो मित्र जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मैं उनके बारे में बता दूं। जुड़े हुए हैं वो सालों से, 15-15 साल से। तो उनमें से एक आध दो जने कर्ण प्रशासनी की है, तो कर्ण प्रशासनी का कुछ मैं रियल अनुभव बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या होता है, कैसे होता है। कर्ण प्रशासनी जो विद्या है, जो बड़ी विद्याओं में आती है, इतनी सामान्य या मामूली नॉर्मल विद्याओं में नहीं आती है। जब ये सिद्ध हो जाती है, जब ये सिद्ध हो जाती है, तो आदमी को इसको याद नहीं करना पड़ता, बुलाने आह्वान नहीं करना पड़ता है इसका। वो सदैव इसके साथ रहती है, साधक के, और सदैव साधक के साथ रहती है। और वो चाहे तो एक सेकंड में केवल ये सोचे कि इसका जवाब क्या है, इतना मन में सोचेगा तो उसका जवाब उसके कानों में गूंजने लग जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और कर्ण प्रशासनी जो विद्या है, जो छोटी शक्तियों में नहीं आती, बड़ी है, इसीलिए इसको सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कर्ण प्रशासनी के हमने बहुत साधक देखे, बहुत साधक देखे। भाई मुझे तो कोई अभी तक सही साधक, अच्छा जानकार साधक मिला ही नहीं। और जब रियलिटी में नहीं मिला तो यूट्यूब पे तो बाबा जी का ठल्लू होगा। तो क्यों नहीं मिला, क्यों, मैं बता देता हूँ उसका। क्योंकि हर विद्या का वो होता है, इस विद्या की अटकल ये है कि साधक को कुछ ऐसी परेशानियां लाइफ में आ जाती हैं कर्ण प्रशासनी करने के बाद, जो वो खुद पहले नहीं समझ पाता है करने के समय। लेकिन साधक अगर सुलझा हुआ हो, दिमाग उसका कंट्रोल में शुरू से रहा हो, तो वो उसको आराम से झेल जाएगा, नहीं तो उसको परेशानी थोड़ी सी हो जाती है। इसको अखंड विद्या के नाम से भी जानते हैं, अखंड का मतलब बिना टूटने वाली, अखंड विद्या के नाम से भी जानते हैं। कर्ण प्रशासनी के कई स्तर होते हैं साधना के, कर्ण प्रशासनी के कई स्तर होते हैं और कई विभागों से साधना की जाती है। अघोर से की जाती है, सात्विक से की जाती है, तंत्र से की जाती है, बहुत होती है इसकी। तो जो तंत्र से की जाती है वो सबसे बेस्ट है, बाकी अघोर वाली तो और सामान्य वाली तो इतनी फलदायी नहीं होती है। जो सात्विक है वो भी इतनी फलदायी नहीं है, और जो टोटल अघोर है वो भी इतनी फलदायी नहीं है। लेकिन जो तंत्र की जो मूल मूल में है, जो कर्ण प्रशासनी तंत्र के मूल की जो विद्या है तंत्र प्रशासनी में, वो ज़्यादा फलदायी होती है। क्योंकि वो उग्र होने के बावजूद भी वो नुकसान नहीं करती साधक का, क्योंकि तंत्र के हिसाब से इसका विशुद्ध अलग मार्ग है। और वो मार्ग मैं आपको कभी मौका लगेगा तो पूरी साधना दूंगा। अब मैं बताता हूँ राकेश की कहानी, जिसने ये की थी और अच्छे शिष्यों में था मेरा, बहुत है मतलब अभी भी। और अब तो बाहर रहता है वो, पता नहीं किसी जगह जॉब लग गई उसकी बहुत अच्छी। वो मुझसे काफ़ी समय तक जुड़ा रहा था, और फिर उसने इन सब चीज़ों को छोड़ के शादी कर ली, जॉब लग गई उसकी। जॉब भी भगवान ने ऐसा पकड़ा हाथ के, फर्स्ट फर्स्ट क्लास लगी है। तो देखिए मित्रों, इसकी एक चीज़ बता दूं आपको,
अनुभव के तौर पर जो किया है उसने, साधना उससे शुरू कराई गई। और लंबे समय के लिए दी गई, मैं कभी साधना को छोटे स्तर पे नहीं देता किसी को करने के लिए। ये साधना मैंने उसको दी थी 110 दिन की, ठीक है, 110 दिन की कर साधना दी थी। तो वो 110 दिन की साधना में बैठ गया, 110 दिन की साधना बैठ गया मित्रों। तो करते 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 जब उसे समझ लीजिए 70 के आसपास दिन हो गए थे, 70 दिन ही हो गए होंगे। तो एक दिन क्या होता है, वो बता रहा था कि गुरु जी कल तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ है। मैंने, ये क्या हुआ है कि कोई वो आके बैठ गई है पास में, लेडीज लाल वस्त्र में, गहरे लाल, और आके बैठ गई है बगल में और चेहरा मेरी तरफ कर लिया है और मुझे लगातार घूर रही है। तो मैंने चेहरा हटा लिया, दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन वो इधर आ गई, बैठ गई। फिर मैं जैसे भी चेहरा फेरूं तो उधर 1 सेकंड में उधर आ जाती थी वो, पलक झपकते ही उड़क जाने कैसे गायब वो करके। और इस तरह से जब तक मेरा पाठ चलता रहा वो बैठी रही। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, ध्यान लगाया, थोड़ा अंदाज लगाया। फिर मैंने उसे बताया कि भाई ऐसा है कि जो सुरक्षा घेरा है उसको बड़ा बनाइए, करीब बनाइए 6 बाई 6 का। 6 बाई 6 का मतलब होता है 6 फुट बाई 6 फुट का। तो वो बोला ठीक है, सब सुरक्षा के लिए बड़ा बनाया गया। बड़ा बनाने का कारण था क्योंकि हम लोग मूल चीज़ें जानते हैं, तो मुझे मालूम था बड़ा क्यों बनाया मैंने, मुझे मालूम था ताकि उसका फैलाव बगल में ना आ जाए। वो चीज़ बगल में आने पर जल्दी डिस्टर्ब करती है चीज़ें, उनकी एनर्जी, छोटा घेरा होगा तो बगल में आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो घेरा बड़ा बनाया गया, तो अब उस चीज़ की चालाकी देखिए, वो सामने आके बैठ गई, सामने आके बैठ गई। उसने कर ली आंख बंद, ठीक है सर, आंख बंद कर ली। तो आंख बंद में भी उसको वही दिखाई दे रही थी, समझ लीजिए आप, आंख बंद करने पे भी उसको वही दिखाई दे रही थी। मित्रों चाय पी लीजिए, मेरे हाथ की चाय बहुत बढ़िया बनती है। आज जो अमेरिका से आई थी उनको भी चाय मेरी बहुत अच्छी लगी थी। वो चाय अगर सही तरह से पीना जानते हैं, सर्दियों में लगभग अदरक की चाय पीते हैं, ज़्यादा अदरक होती है ना मित्रों, खुश्की करती है शरीर में, आपकी खुश्की होगी, शरीर चटकेगा आपका। आपको मालूम है मैं कभी सर्दियों में तेल वगैरह नहीं लगाता शरीर में कभी भी, और मेरा शरीर कभी चटकता नहीं है, कभी भी कोई शरीर में खराश नहीं होती कभी भी। आप देख सकते हैं कितनी भी सर्दी पड़ रही है, आप कितना भी खोंचा मार लीजिए, मेरे हाथ में कहीं भी कुछ भी नहीं होगा ना, कभी भी मैं क्रीम वगैरह कुछ लगाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ कि खाने पीने में क्या, खाने पीने से शरीर फिट एंड फाइन रहता है। मैं आजकल के बच्चों की तरह पिज्ज़ा बर्गर कभी नहीं खाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब हैं। कभी भी मैं चाइनीज़ नूडल्स वगैरह कुछ भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें शरीर को बना नहीं सकती। कभी भी देख लिया मैंने आजकल के बच्चे की ताकत और पुराने बच्चे की ताकत अजमा लीजिए, कभी भी कहीं पर भी नहीं बैठेंगे आजकल के बच्चे, माइंडेड माइंडेड रूप से भी नहीं बैठेंगे। मैंने ये देखा है, हम लोग जितना याद कर सकते थे आजकल के बच्चे नहीं याद कर पाते, जबकि उनके पास इतनी फैसिलिटियाँ हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, और आपके पास नॉलेज गेन करने के और भी कई चीज़ें हैं, तो आप फिर भी आप उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी हमको 50 50 100 100 नंबर याद रखते थे मोबाइल के, आपको नहीं रहेंगे। हम हर हर एक किसी का मकान नंबर बता सकते थे, पूरे मोहल्ले में 100 मकानों 200 मकानों तक का, आपको नहीं होगा। वो सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं मित्रों। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आदमी इन चीज़ों पर डिपेंड होता गया, तो उसने अपने माइंड का यूज़ करना बंद कर दिया। जो पुरानी जो हमारी एजुकेशन थी वो भारी भारी वस्तुओं वाली एजुकेशन थी, तो उसमें हमें ज़्यादा शरीर से भी वर्क करना पड़ता था और माइंड से भी करना पड़ता था। अब तो बुक क्या, एक छोटा सा कंप्यूटर लैपटॉप बन गया है सारा का सारा। तो हमारा टॉपिक था कर्ण पिशाचिनी, बड़ा बनाया, घेरा बड़ा बनाने के बाद अब वो सामने आके बैठ गई, आँख बंद करे तो भी उसे नज़र आए। मैंने कहा कि अब मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, मैंने मन में सोचा। तो फिर आदेश मिला पूरे पूरे उसका स्थान का बंधन कर दे। तो मैंने उससे कहा 4 कील लेके आओ, क्योंकि साधना तो अब उसको पूरी करानी थी मित्रों, साधना तो अब उसको पूरी करानी थी। हम भी तो बहुत ज़िद्दी हैं, फिर जब हमारे साधक बैठा हुआ है सामने तो हम कैसे हार मान जाएंगे। 4 कील लेके आए बाबा जी हमारे, हमने 4 कीलों को दोपहर में सिद्ध किया, पढ़ा और
ये भी एक विद्या आपको बता दूंगा कैसे कील को पढ़ के सिद्ध किया जाता है, और दरवाजे और चारों कोने पे घर के लगा देने से वो चीज़ कोई भी चीज़ उसके अंदर परेशान नहीं करती आपको, क्योंकि वो देवी नहीं आ रही थी, देवी कहीं पर भी आ सकती है, वो उसके ध्यान को भटकाने के लिए जो छोटी शक्तियाँ होती हैं वो आ रही थी, वो मैंने पता कर लिया था। और उसको जो चीज़ जो लक्षण मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, उसने सब कहा वहाँ वही हुआ है गुरु, तो मैंने कि छोटी शक्ति है। अब क्या होता है मित्रों, रूम पूरा रूम किलवा देता हूँ मैं, कील करवा देता हूँ, कीलन करवा देता हूँ पूरे रूम का। पूरे रूम का कीलन होने के बाद क्या होता है मित्रों, अब रूम का तो कीलन हो चुका है, रूम के बाहर तो नहीं हुआ ना। अब क्या होता है कि दरवाजे धमधम, छत धमधम, सब जगह से धमधम, और ऐसा लग रहा था नीचे जिस फर्श पे बैठा हुआ था उस फर्श से नीचे से भी धमधम हो रही थी उसको, तो उसकी आवाज़ निकलने लगी। मैंने भी उससे कह दिया था उस समय, दोस्तों 8-10 साल पहले फ़ोन का इतना यूज़ नहीं था, मैंने भी उससे कह दिया था, शाम को भी उसको समझा के आया था घर जाके, मैंने कह दिया था देख भाई राकेश भाई डरने का काम है नहीं, बैठे रहो लगे रहो लक्ष्य पे। तो मित्रों वो भी बंदा बहुत जीदार हमारा प्यारा, वो भी लगा रहा लक्ष्य पे, लगा रहा लक्ष्य पे। अब होता है क्या है कि मित्रों साधना इस तरह से घिसटते 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 80 दिन पे आ गई, 80 दिन पे आ गई। अब एक चीज़ बड़ी वो हो गई कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था वो, ठीक है, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर था शुरू से ही। तो क्या हुआ, साधना के जो 3-4 घंटे बैठता था वो रात को 11 बजे से 2-3 बजे तक जो बैठता था वो, तो वो उस पर भारी पड़ गए। जबकि मैंने उससे कहा था खाने पीने का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते रहना, उसका शरीर उसको जवाब दे गया, जवाब ऐसे दे गया कि उसको कमजोरी आ गई शरीर में और उसका बैठना मुश्किल हो गया। 81, जबकि देखिए 110 दिन के साथ में पास आते जा रहे हैं, 81, 82, 83, 84, 85 दिन तक तो खींच गया, लेकिन उसके बाद उसका बैठना, उसको एक दिन चक्कर से आ गए बैठे बैठे, और माला उसके हाथ से छूट गई और वहाँ झड़क गया। नुकसान तो होना नहीं था, सुरक्षा घेरा सब जगह लगा हुआ था, कोई चीज़ तो अटैक करनी नहीं थी। तब भाई क्योंकि वो ये मुझे लग ही रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर को एक दिन पहले दिखा के आया था, डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में वीकनेस है, खून की थोड़ी कमी हो गई है। तो मैंने उससे कहा भी था कि मैंने कि साधना ऐसा कर रोक दे, अभी विराम दे दे, वो माना नहीं। और साधना शुरू करने से पहले ही मैंने उससे कहा था अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि साधना वैसे नहीं टूटने दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा शरीर अगर जवाब दे गया तो साधना टूट जाएगी, क्योंकि उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो शरीर ही वो आपके हाथ में है, क्योंकि उस समय पर हम इसके हम और चीज़ों को रोकेंगे लेकिन उसको नहीं रोक पाएंगे। और जो बात पक्की होती है मित्रों, अगर कोई आपको साधना करा रहा है तो वो सारी चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन आपके खुद के शरीर की कमजोरी और जो कि अपने आप आई हो प्राकृतिक रूप से, वो चीज़ें कमज़ोर नहीं कर सकती इस ऐसे समय में शरीर को, लेकिन प्राकृतिक रूप से आई कमज़ोरी। लेकिन कितना लड़का कितना खुश नसीब समझ लीजिए कि उसकी साधना को माता पंचांगली ने माना, उसकी 81 दिन 85 दिन की साधना को माता पंचांगली ने माना, और उसको ऐसे ऐसे आभास होने लगे सपने में, ऐसे ऐसे आभास होने लगे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि मुझसे एक दिन कह दिया था उसने कि मनोज भैया गुरु जी, मैंने कहा हाँ बेटा आप एक गांव में जाएंगे, और गांव में जाने के बाद आपके साथ 3 लोग और होंगे, तो एक लंबा होगा आपके, 2 आपसे छोटे होंगे लंबाई में, और ये नहीं मालूम पड़ता कब जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर, और वहाँ पर एक खेत होगा, खेत में आप खड़े होकर के वहाँ पे कुछ बातें करेंगे, और वहाँ पे कोई साया होगा आसपास। देखिए उसकी बात कितनी अचूक निकलती है थोड़े समय बाद, वो बातें सारी की सारी सच होती हैं। तो मैं वहाँ पर ही लौटते समय सोच रहा था मैंने कि अगले आदमी को आवाज़ शुरू हो गए, और वो भी ये भी बता देता था कि वो फलाना फलाना व्यक्ति आपके पास आने वाला है मनोज भैया। तो मैंने कि बेटा तेरे दिमाग में कैसे आता है मेरे लाल, मुझे बता दे बेटा। तो बताता जब पता नहीं जब से 85 दिन जब से मैं बेहोश होके गिरा हूँ तभी से ऐसा होने लग गया है। तो मैंने कि माता ने इसकी आधी साधना पूरी कर दी, मतलब आधी साधना इसकी मान ली, लेकिन पूर्णता ऐसे नहीं मिली है। तब उसको बहुत समय तक आवाज़ होती रही, बहुत समय तक, करीब 2.5 साल तक उसको आवाज़ होता रहा। उसके बाद उसकी नौकरी लग गई, वो बहुत अच्छी नौकरी पे बाहर शिफ्ट हो गया दूसरे शहर में,
और फिर उसकी शादी वगैरह हो गई। अब तो मिलने में भी शायद साल डेढ़ साल हो गया होगा, 1.5 साल 2 साल हो गए मिलने हुए भी। तो मित्रों साधना तो मैंने बहुत लोगों को कराई और अच्छी अच्छी कराई, भगवान की दया से बिना लोभ लालच की कराई हैं। उस समय पर 10 साल पहले इसकी इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं थी, नेट पे भी नहीं थी, गूगल वगैरह किसी पर भी इसकी जानकारी नहीं थी कहीं पर। तो वो अपने अनुभव और उसके आधार पे कराई जाती हैं ये इसमें से अगर हम ऐसे ले लेके कराने लग जाएं तो फिर बात ही क्या है, ऐसे कराई जाती है। बंधन होते हैं, गुरु की शक्ति लगती है। कोई इसी तरह ये वाक्य में पागलपने में थोड़ी बोलता हूँ कि गुरु की शक्ति मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो आचा, मेरी भक्ति लगे और गुरु की शक्ति लगे और फुरो मंत्र ईश्वरो आचा, ईश्वर के मंत्र की ताकत लगे और ईश्वर का मंत्र चले काम करे। फुरो मंत्र चले मंत्र ईश्वरो आचा, ईश्वर की वचन है। तो मित्रों यही होता है चीज़ों, मित्रों करने के ऊपर होता है, कर्ता सबसे बड़ा होता है। कर्ता का मतलब जो कर रहा है कर्म वो सबसे बड़ा है, बाकी जो पहले किया है वो बड़ा नहीं है और जो बाद में करेगा वो बड़ा नहीं। जो कोई प्रेजेंट में जो कर्म कर रहा है आदमी वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कर्ण प्रशासनी कभी भी आदमी को इतनी आसानी से अपनी सिद्धि नहीं देती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो 11-21 दिन की साधना है लोग करते हैं उसमें तो एक समझ लीजिए अनुभव के लिए किया जाता है उसको, बाकी जो रियलिटी ऑफ फैक्ट है आपको मालूम है। अभी मैं थोड़े समय बाद आपको कम से कम 110 दिन की साधना कई लोगों को देने वाला हूँ, आप लोगों में से छांट करके उनको, और उसको कराऊंगा, आप कराएंगे उसको और फल भी बताएंगे मुझे, तब बताइएगा कैसा होता है, क्या होती है। शक्तियाँ बहुत हैं, शक्तियों को जगाने वाले काम हैं, शक्तियों की ताकत बहुत है लेकिन उन शक्तियों की ताकत को पहचानने वाले काम हैं। देवता बहुत हैं मतलब देवता की मूल शक्ति को जानने वाले काम है। बड़ बोले बहुत है लेकिन अपने वचन पर पक्के रहने वाले बहुत कम है। लूटने पे लगे हुए बहुत हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ देने वाले आपको बहुत कम है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है। हर आदमी कुछ ना कुछ पैंतरा चला रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ सोच करके आया है, हर आदमी ने अपना एक ने एक स्कीम बना रखा है, उस स्कीम के तहत वो चल रहा है। इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह से मुझे कमाना है, इस तरह से बिल्डिंग बनानी है, इस तरह से लोगों में अपना नाम फैलाना है, इस तरह से दान के नाम पे पैसा लेना है, इस तरह करना है, ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। आदमी ने एक मनी मतलब मनी को वो जमा करने की एक पॉलिसी बना रखी है कि इस तरह से करना है, इस क्षेत्र से बड़ा व्यापार कहाँ मिलेगा, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या करें, हमारे हमारे संस्कारों में ये चीज़ नहीं आई शुरू से। जो भी आते हैं देखते हैं, अरे आप तो बहुत सिंपल बाबा, मैंने कहा भैया हमें ऐसे ही रहने दो, हम पर कृपा करो तुम। कर्ण पिशाचिनी के जो तगड़े प्रयोग होते हैं उसमें आपको एक रियलिटी और फैक्ट में एक वो बता देता हूँ, उसमें 70% गुरु की ताकत होती है और 30% शिष्य की ताकत होती है, याद रखना। अगर आपका जरूर गुरु जबर है तो कर्ण प्रशासनिक जरूर होगी सिद्ध आपसे, ये भी बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ अंदर की। और अगर आपका गुरु कमज़ोर है और खुद ही उसको सिद्धि नहीं है किसी प्रकार की, तो वो इस विद्या को सिद्धि नहीं करा सकता है। पंचांगली इसमें 50% ताकत गुरु की और 50% चेले की होती है। साधनाओं में जो अनुभव होते हैं ना मित्रों, वो गुरु की ताकत और भगवान देवता की मतलब कृपा से ही होते हैं। साधना में जो अनुभव होते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि महाराज आपसे बात करके मुझे कपकपी आ गई, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक थर्रा गया, तो मैं उसमें अपनी ताकत कहीं नहीं मानता, मेरे पीछे जो 39 गुरु हैं उनकी ताकत मानता हूँ। याद रखिए ये परंपरा पीढ़ी से चलती है। अगर आपका जरूर गुरु शुरू से ही ज़बरदस्त चला हो और फिर उसका चेला भी ज़बरदस्त होगा और चेले के चेले भी फिर ज़बरदस्त होंगे और उनके शिष्य के शिष्य भी ज़बरदस्त होंगे, वही परंपरा चलती है। जब गुरु खाऊ होगा तो चेला भी खाऊ होगा, पैसे खाने वाला, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें फिर आपको अनुभव होती हैं। जैसे कल एक मित्र ने मुझे अजमाने के लिए फ़ोन किया, मैं बोला था गुरु हमने सुना है, हाँ किसी ने बताया था कि आपको बात करने से, तो मैंने कि मैंने तो मेरे साथ मेरे संग तो मैंने कि ऐसी कोई शक्ति वक्ति नहीं है भैया, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह से। फिर 5 मिनट बाद उसका दोबारा कॉल आया कि गुरु जब से बात करिए आपसे सांस ऊपर की तरफ चल रही है। तब
मैंने कि भैया अजमाने के लिए किया था क्या? बोला तो मेरे अजमाने के लिए मत करता भैया, उल्टा सीधा ना हो जाए कुछ। मैं तो मामूली इंसान हूँ, मेरे पास कुछ ना है, मैंने साफ कह दिया। ये सब तो आपको अपने मन से ही महसूस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, शक्ति शक्ति का पुंज होता है ना, वो अपने आप को अनुभव करा देता है। अग्नि होती है, अग्नि के पास आप हाथ लेके जाओगे ना, दूर से तो वो कुछ नहीं महसूस होगी, लेकिन अग्नि के पास जो जो जाते जाओगे उसकी ताप, उसकी हीट आपको लगती जाएगी। और बिल्कुल अग्नि पुंज में पास आकर के हाथ रख दोगे तो जल जाओगे आप, बशर्ते आपको ये नहीं मालूम होगा उस अग्नि को ठंडी कैसे किया जाता है। अगर ठंडी करना आएगा आपको किसी अग्नि को, किसी आँच को, या किसी शक्ति को, तो आप उसकी ताकत को भी आजमा सकते हैं और ताकत को पहचान भी जाएंगे कि किस तरह से ठंडी होती है। आपको विद्या ठंडा करने का भी एक मंत्र दूंगा, जिससे बड़ी से बड़ी घात चौकी मसानी शक्ति आपके पास आने पर ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये मैं देने से पहले 100 बार सोचूंगा, क्योंकि ये उन्हीं को दी जाएगी जिनको जिनके ऊपर बहुत भयंकर खतरनाक प्रयोग हो गए हैं। आज भी मित्रों दिन भर बिजी डे रहा मेरा, सुबह भी एक मित्र आ गए, दोपहर में एक मित्र आ गए, शाम को ये अमेरिका से आ गए, बहुत आज बिजी डे रहा मेरा, और एक आध दो जगह मुझे जाना भी पड़ा रात को। तो आज का दिन ऐसा ही रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको चलते चलते रात में एक वीडियो डाल दी है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, जय माता रानी की, जय माँ भवानी।